गर्मी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ तुम्हें अग्नि? क्या बताऊँ, एक तो मेरी बॉडी इतनी टायर्ड रहती है उसकी वजह से मेरा वर्कआउट नहीं अच्छा जाता, और प्रोटीन लेती हूँ तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी लूज मोशंस लग जाते हैं। मैं क्या करूँ? तुम्हारी बॉडी टाइप पिथ है, जिसका मतलब तुम्हारी बॉडी में फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो बढ़ती हुई जो हीट है उसके कारण तुम्हारी बॉडी की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। अगर तुम्हें प्रोग्रेस चाहिए तो तुम्हें इसे ठंडी चीजें खाकर बैलेंस करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर मेरे पास डाइट के अलावा नई नई रेसिपीज बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। बस इतनी सी बात, आओ मैं तुम्हें मोस्ट इफेक्टिव और इजी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ। हाई प्रोटीन मील, रेगुलर एक्सरसाइज और बढ़ती हुई समर हीट के कारण हमारी जो बॉडी है उसमें हीट बढ़ सकती है, और उसके अलावा हमारी गट हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। तो अगर हम अपनी जर्नी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उस चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 5 ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लेके इस चीज़ का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करके बढ़ा भी सकते हैं। बॉडी में हीट बढ़ने के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको लग सकता है कि आपको थोड़ी जलन फील हो स्टमक में, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आपके पिंपल्स होने लग जाए, हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आए, या फिर आपकी एनर्जी आपको कम फील हो, आपको थकान फील हो, और ये भी हो सकता है कि आप जब प्रोटीन डाइट लें तो आपको उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाए, कभी लूज मोशंस तो कभी कॉन्स्टिपेशन। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बता सकती हैं कि आपको अपनी बॉडी को हीट को बैलेंस करने की ज़रूरत है और उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसे इंग्रेडिएंट की जो बहुत इजी है। ये सारे 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने वही इंक्लूड किए हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हो लेना, आपके बिजी लाइफस्टाइल में भी आप ले सको। तो इंग्रेडिएंट नंबर 1 है गूंगतीरा। गूंगतीरा जो है ये मार्केट में आपको मिलेगा, आपको इसे सोक करके रखना है पानी में, और थोड़े टाइम बाद जब आप देखेंगे तो ये फूल जाएगा। अब बात करते हैं गूंगतीरा के बेनिफिट्स की। नंबर 1, इसमें कूलिंग इफेक्ट है, आप इसे लेते ही अपने स्टमक में ठंडक फील कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली स्पून से लेकर ऊपर से पानी पी सकते हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको बस इसे सोक करना है पानी में और थोड़े टाइम बाद ही ये फूल जाएगा, जिसके बाद आप इसे ले सकते हो डायरेक्टली। नंबर 2, ये आपकी डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिससे कि आपकी डाइजेशन सही रहती है। नंबर 3, आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन टाइट रहेगी, बहुत रिफ्रेशिंग रहेगी। नंबर 4, आपके अगर ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने होता है, तो उसको कंट्रोल करने में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। एंड नंबर 5, इसके साथ आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाते हैं, और आपके इसमें फाइबर भी मिलता है आपको, जो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट की। सेकेंड इंग्रेडिएंट है बटर मिल्क। बटर मिल्क का नंबर 1 बेनिफिट है, इससे आपकी प्रोबायोटिक्स की नीड पूरी हो जाती है। प्रोबायोटिक्स मतलब हेल्दी बैक्टीरिया जो हमें हमारे गट को देने चाहिए, जो कि हमारी गट हेल्थ को अच्छा बना के रखता है। वो गुड बैक्टीरियाज का काम ही यही है कि आपकी प्रॉब्लम कभी आए ही ना, वो बैड बैक्टीरियाज को फाइट करता है। दूसरी चीज, बटर मिल्क जो है दैट इज रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी। इसका एक और बेनिफिट है, ये एसिडिटी को रिलीव करने में हेल्प करता है और डिहाइड्रेशन को तो प्रिवेंट करता ही करता है। अब हम आ जाते हैं 3rd इंग्रेडिएंट पे, दैट इज क्यूक्यूम्बर, खीरा, जो हम यूजुअली देखते हैं गर्मियों में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आपको बस उसको इंटेक करना है, कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रीक्वेंट मील्स का तो आप लंच मील के साथ एक खीरा ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बहुत ठंडक पहुंचाएगा आपको अंदर, और उसके फाइबर, उसके बाकी सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगी, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से मतलब कि ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है।
फ्री रेडिकल्स मतलब जब डाइजेशन के बाद वेस्ट रह जाते हैं, तो वो जब ऐसे ही रह जाते हैं हमारी डाइजेशन को खराब करते हैं, वो टॉक्सिक बन जाते हैं हमारी बॉडी में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है उनको बढ़ने से रोकना, उनको ब्लॉक करना और उनसे लड़ना। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है कुकुम्बर, जिसको आप यूज करते हैं तो आपके हार्ट, लंग डिजीज, कैंसर, इन सब चीजों से, इवन की ऑटोइम्यून डिजीज से भी फाइट करने में आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज शुगर केन जूस। ये हमने अक्सर देखा होगा गर्मियों में, शुगर केन जूस बहुत वाइडली अवेलेबल है। बस एक ग्लास आप इसका ले लें तो आपको आपकी इलेक्ट्रोलाइट की नीड्स भी पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो हम अपनी स्वेटिंग से लूज करते हैं वाटर अपनी बॉडी से, तो उसको हमें रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का काम है उसको होल्ड करके रखना वाटर को और रिटेन करके रखना। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है और उसके अलावा ये हमारी लिवर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसका एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट है, इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस है जो हमारे टीथ की हेल्थ को बना के रखता है, हमारे टूथ एनामल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती बैड ब्रेथ की या किसी और चीज़ की, कैविटीज की भी प्रिवेंट होने लग जाती है। लास्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट वाटर। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप ड्यूरिंग द वर्कआउट भी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, आफ्टर द वर्कआउट भी लेते हैं तो भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको पोटेशियम भी मिलता है। जो पोटेशियम है वो हमारे मसल क्रैम्प्स पड़ने से रोकता है, उसको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। कोकोनट वाटर में एमिनोज भी होते हैं तो ये आपकी जर्नी में बहुत बेनिफिशियल है, रादर देन टेकिंग अदर बेवरेजेस जो मार्केट में एज एन एनर्जी ड्रिंक मिली जाती है। ये एक नेचुरल सोर्स है जिसको आप अगर लेते हैं, इसमें सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी है और हाइड्रेटेड भी रखता है। तो बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आपको आपकी वर्कआउट जर्नी में बहुत अच्छे से सपोर्ट कर देंगे। तो इसी के साथ ये पांच इंग्रेडिएंट्स आप कुछ भी इसमें से फॉलो कीजिए, अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाइए, बहुत इजी रखने की कोशिश की है, रेडिली अवेलेबल हो जाए जो आपको। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है हीट को मेंटेन करना अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। जस्ट वॉच आउट आपकी डाइजेशन कैसी चल रही है, आपको जो स्टूल है आपकी उसकी क्वालिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज। तो इसीलिए हम कुछ चीज़ों में लैक कर जाते हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, और यही वजह है कि हमारी ग्रोथ या तो रुक जाती है या फिर हम उतनी अटेन नहीं कर पाते जितनी हम कर सकते थे। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, आई होप ये आपको हेल्प कर सकी हो, एंड आई गारंटी ये अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं आपको ज़रूर इफेक्ट आएगा, बिकॉज दिस इज़ थ्रू माई एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल ईजी टू फॉलो है, तो हाँ आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। तब तक के लिए मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी जर्नी भी कैसी चल रही है, और कौन सी वे है जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आ सके। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।